गुड मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आपने मेरा गार्डन तो कई बार देखा है, तो आज मैं आपको फिर से स्वागत करती हूँ क्लोज टू नेचर में। और अच्छा वेल मैनेज्ड गार्डन तो हमेशा दिखता है, लेकिन असल में इसके पीछे कि मैं आपको ये भी दिखाऊँ कि मैसी भी रहता है, क्योंकि हम गार्डन में जब काम करते हैं। एक्चुअली आज मैंने सारे, आप देख पा रहे हों तो मेरे पौधों में गुड़ाई की है, सारे नहीं मतलब मैंने शुरुआत की है इनमें गुड़ाई की। इस तरह से ये कूड़ा निकलता है, पत्ते निकलते हैं, सारे मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए सारे इन गमलों में मैंने गुड़ाई की हुई है। और मैं इधर से चलती आ रही थी, फिर मुझे हुआ कि मैं शेयर करूँ। और देखो एक चीज़ और बताती हूँ, आजकल के गमले कैसे आते हैं, गुड़ाई करते करते ही टूट गया। और यही करते हुए मैं जब कर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी बहुत टिप्स दे देनी चाहिए, तो वही मैं आपको देती हूँ। चलती हूँ, ये देखिए मेरे पास बकरी की खाद है, और ये मेरी पत्तों की खाद है जो मैंने खुद ही घर पर तैयार करी है। देखिए कितनी अच्छे से तैयार है ये। और ये है नीम खली। नीम खली अगर कोई फंगस, कीड़े, चींटियाँ, बैक्टीरिया वगैरह जो भी इसमें रह गए, मिट्टी में हो गए हैं, पनप गए हैं, तो उनको ख़त्म करने के। तो चलिए चलते। तो सबसे पहले तो हम मिट्टी में जितने भी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा, जैसे ये घास उगी हुई है या पत्ते गिरे हुए हैं, वो सब हम हटा देंगे, सूखे पत्ते या पीले पत्ते जो भी हैं। इस प्लांट के भी जितने पीले पत्ते कोई होंगे तो हम उनको हटा देंगे। एक्चुअली ये पीले पत्ते अब टूट के तो गिरने ही हैं, और ये हमारा मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और अब हम इसकी गुड़ाई करते हैं इस तरह से। देखिए मेरी मिट्टी कितनी सॉफ्ट है, ये होती है वेल ड्रेन सोयल, ऐसी सोयल हमको रखनी चाहिए। गुड़ाई करते हुए देखना हमेशा जो बाउंड्री है, बाउंड्री के पास में आपको ऐसे रूट्स जो हैं ये दिखाई देंगे, और इनको ही हमें हटाना है। एक्चुअली रूट बाउंड, क्योंकि ये जो ये रूट जो है ना गमले की वॉल से टकरा रही हैं, आगे उन्हें ग्रोथ करने की जगह नहीं मिल रही, तो हमें इन रूट्स को ही हटाना है यहाँ से। मेन रूट को डिस्टर्ब नहीं करना, उसके पास में जाके कटिंग नहीं करनी, लेकिन इनको सबको हमें हटाना है। देखिए ये सारे, ये जो है हमारी, ये सब रूट बाउंड हो जाता है। तो थोड़े दिनों में हमें महीने में एक बार तो गुड़ाई करनी चाहिए, 10-15 दिन में कर सको तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ये गुड़ाई करनी होती है सारे गमले की, चारों साइड से अच्छे से गुड़ाई करके, कोई भी ये रूट्स जितनी आप निकाल सकें अच्छा है, इनको निकाल दीजिए जो टूटी हुई है। और अब मैं इसमें डालूंगी ये मेरी खाद, पत्तों की खाद, बहुत अच्छी। जितना भी गार्डन का कूड़ा है, किचन वेस्ट है ना, मैं रत्ती भर भी बर्बाद नहीं होने देती, मैं सारा कलेक्ट कर लेती हूँ और उसी से ही हमारी खाद बनती रहती है। एक तैयार हो जाती है, दूसरी बनने को लग जाती है, तीसरी, चौथी, चार पांच हो गए अलग। और थोड़ी सी अब मैं डालूंगी इसमें ये नीम खली, और हमारी गुड़ाई हो गई। दिस इज द होल प्रोसेस। तो गमले की सुंदरता, और जिस तरह से आप अपने बच्चों को फीड करते हैं, कई लोग गमले तो उसी तरह से हम ही नहीं कर, कई लोग पौधे ले तो लेते हैं लेकिन उनका ख्याल नहीं रखते, क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं कर पाती, तो वो लोग माली रखें। हालांकि मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है जब हम इनकी सेवा करते हैं ना, ये काम करते हैं, क्योंकि इसके पास हैं हम। अब जो ऑक्सीजन इसकी, ग्रीनरी जो इसकी, वाइब्रेशंस, इवन हम तो अपने प्लांट से बात भी करते हैं। ये देखिए इसकी जो कलियां हैं, इनको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, शायद मुझसे मिलकर इनको भी बहुत खुशी हो रही है, जो भी तो इतने खुश हैं। और कोई प्लांट जब बीमार हो जाता है, उसकी कोई हालत ख़राब होती है, तो भी हम बहुत दुखी होते हैं। तो ये मेरे थोड़े से मनोभाव थे, मैंने आपसे शेयर किए। और असल चीज़ तो मैं यही बता रही थी कि अपने गार्डन्स, अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए, और यही प्रोसेस है।
और अपना भी ख्याल रखिए। चलिए, मैंने आपको गुड़ाई करने का तरीका, फर्टिलाइज करने का तरीका बता दिया। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में कुछ नई खूबसूरती के साथ, कुछ नई बातों के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग। गुड बाय।